हेलो एंड वेलकम टू रियल क्विक एनालिसिस चैनल। तो चलिए आज एक और नए टॉपिक पर हम करते हैं अपना रियल एनालिसिस। हमारी आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है ब्लिस ऑफ नेचर रिसॉर्ट खानाताल उत्तराखंड ने। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम के सफल लॉन्च के बाद पिछले महीने मोदी सरकार ने टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए 12,000 करोड़ रुपये और लैपटॉप एंड टैबलेट के लोकल प्रोडक्शन को पुश करने के लिए 5,000 करोड़ रुपयों की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को सार्वजनिक किया। इन योजनाओं के पैदा होने के पहले ही बुद्धिजीवियों की जमात में इनकी मौत को लेकर आशंका प्रकट की जा रही है। लेकिन इसी बैकग्राउंड में अमेरिका की मोबाइल चिपसेट और मॉडेम बनाने वाली महारथी कंपनी क्वालकॉम ने आधिकारिक रूप से इस स्कीम में अपना विश्वास प्रकट किया है, क्योंकि मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या टेलीकॉम इक्विपमेंट हो, इन सभी सेक्टर में क्वालकॉम के प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड कंपोनेंट्स की दक्षता है। इसलिए यदि भारत में इन सब का प्रोडक्शन बढ़ता है तो इस नए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में क्वालकॉम को भी प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ने लगी हैं। क्वालकॉम इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोरोना क्राइसिस से भारत के लिए जो सुनहरा अवसर पैदा हुआ है, उसका लाभ उठाने के लिए भारत ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक समय पर इस सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम से आकर्षित होकर ग्लोबल कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और सप्लाई चेन को भारत में लेकर आएंगी, ताकि वह न केवल भारत की घरेलू डिमांड बल्कि दुनिया भर की मांग को एक्सपोर्ट करके पूरा कर पाए। देख लीजिए जनाब, कल तक आप सभी यही कहा करते थे और आज ग्लोबली रेपुटेटेड कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी यही कहने लगे हैं। जब भी कभी हम आपके मन की बात को वीडियो में व्यक्त करते थे तो कुछ गिने चुने दर्शक कहा करते थे कि हम मोदी भक्त हैं। ये बुद्धिजीवी अब हम सभी को यह भी बता दें कि क्या क्वालकॉम इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी मोदी भक्त बन गए हैं। यह बात और है कि यदि यही अधिकारी कहीं गलती से PLI स्कीम में कोई खामी गिना देते तो दिल्ली में चल रहे अड़ातियों के आंदोलन तक को परे रखकर क्वालकॉम के एंटी मोदी स्टेटमेंट को कवर करने का समय हमारी लेफ्ट लिबरल मीडिया को भर भर के मिल जाता। कई बार हमारे सामने कई तरह के स्टेटमेंट आते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम ज्ञान देने वालों की बातों में भरोसा करें अथवा पैसे देने वालों की बातों में। जाहिर है, जो पैसा लगा रहा है उसकी बातों में दम ज्यादा होगा। इसी पृष्ठभूमि में आपको पता होगा कि क्वालकॉम ने थोड़े समय पहले रिलायंस जियो में 730 करोड़ रुपयों को निवेश किया है और इन दोनों कंपनियों ने मिलकर 5G सॉल्यूशन का भी विकास किया है, जिसने टेस्टिंग के दौरान महज 1 सेकंड में 1 GB डाटा डाउनलोड करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। हालांकि इन दोनों कंपनियों के 5G प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की टेस्टिंग अभी चल रही है और 5G के लॉन्च से हम अभी काफ़ी दूर है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि क्वालकॉम कंपनी कोई हवा में बातें नहीं कर रही है। साल 2017 में इस कंपनी ने डिज़ाइन इन इंडिया इनिशिएटिव में 56 करोड़ रुपयों का निवेश किया था और साल 2018 में क्वालकॉम ने निर्णय लिया था कि वह 3,000 करोड़ रुपयों का निवेश करके हैदराबाद में अमेरिका के बाद अपने सबसे बड़े कैंपस का निर्माण करने जा रही है। हालांकि हम सभी चाहते हैं कि क्वालकॉम बातें बनाने के साथ साथ भारत में बड़े पैमाने पर चिपसेट एंड सिस्टम ऑन चिप्स का उत्पादन जल्दी से जल्दी करे, लेकिन अभी तक क्वालकॉम ने भारत में जो भी कुछ किया वह भी संतुष्टि का कारण तो बन ही सकता है। जहां तक बुद्धिजीवियों का सवाल है, वह कहते हैं कि भारत में लैंड एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट लाल फीता शाही बहुत कम है। हम यहाँ पर पूरी तरह से सहमत हैं कि PLI स्कीम की राह में यह भी समस्या रुकावट है। जमीन पर जन्नत उतार आई है, ऐसा झूठा दावा हम में से कोई नहीं करता है, लेकिन आप ही बताएं, क्या रुकावटों और परेशानियों के डर से हम कोई कदम आगे ही नहीं बढ़ाएं? समुद्र में तूफान के खतरे से डर कर क्या मछुआरे हमेशा के लिए किनारे पर बैठकर हवा खाते रहे? भारत के विकास में कई अनगिनत बाधाएं हैं और मोदी सरकार इन सभी को दूर करने की लगातार कोशिश करती रहेगी, ऐसा हम सभी को विश्वास है। इसलिए विद्वान लोग बाधाओं की चिंता करते रहे, हम सभी आम आदमी तो विकास का चिंतन जनतन और समर्थन करते रहेंगे। अंत में स्पॉन्सरशिप के लिए कानाताल उत्तराखंड में स्थित ब्लिस ऑफ नेचर रिसॉर्ट को धन्यवाद देते हुए
हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आपको आज का टॉपिक और हमारा वीडियो दोनों पसंद आया हो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।